अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट बाबर मुमताज। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम नाइन्थ क्लास के बायोलॉजी के बहुत अहम एमसीक्यूज की बात करेंगे। स्टूडेंट, ये इतने अहम एमसीक्यूज हैं कि आल पंजाब बोर्ड के प्रीवियस एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं और आल पंजाब बोर्ड के 2020 के एग्जाम में आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारा एमसीक्यूज है, एक जैसे अफाइल सर अंजाम देने वाले सेल्स का ग्रुप कहलाता है, टिश्यू। स्टूडेंट, एक जैसे काम करने वाले सेल्स का ग्रुप कहलाता है टिश्यू। मलेरिया के इलाज के लिए किस दरख्त का छाल ज्यादा मुअसर था, सनकोना। स्टूडेंट, मलेरिया के इलाज के लिए सनकोना का छाल ज्यादा मुअसर था। प्रोक्रियोट्स का ताल्लुक किस किंगडम से है, किंगडम मोनेरा। स्टूडेंट, प्रोक्रियोट्स का ताल्लुक किंगडम मोनेरा से है। पाकिस्तान के दरियाए सिंध में इंडस डॉल्फिन की तादाद है, इंडस डॉल्फिन की तादाद 600 है। किस जानदार में सेल वॉल नहीं होती, एनिमल में। स्टूडेंट, जानवर के सेल के गिर्द सेल वॉल नहीं पाई जाती। पौधे के किस टिश्यू में कंपेनियन सेल पाए जाते हैं। स्टूडेंट, फ्लोएम में कंपेनियन सेल जो है वो पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स की तादाद में कमी कहलाती है, क्रोमोसोम्स की तादाद में कमी को मीओसिस कहते हैं, मीओसिस। लॉक एंड की मॉडल पेश करने में जर्मन केमिस्ट का नाम था एमल फिशर, एमल फिशर ने ला एंड की मॉडल पेश किया था। पौधे में सबसे अहम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए ऐसा सबसे अहम पौधे के अंदर पाया जाने वाला फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। प्रोटीन की कमी एक बीमारी पैदा करती है, मेरास्मस। प्रोटीन की कमी से मेरास्मस डिजीज होती है। खून के सेल्स की कौन सी किस्म जिस्म के दफाई निज़ाम बनाती है, वाइट ब्लड सेल। स्टूडेंट, वाइट ब्लड सेल जिस्म का दफाई निज़ाम बनाता है। खून के एक मकाब मिलीमीटर में प्लेटलेट्स होते हैं, 2 लाख, 2 लाख, 50,000, 2 लाख, 50,000। क्लासिफिकेशन की बुनियादी इकाई है, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीशीज। क्लासिफिकेशन की बुनियादी इकाई स्पीशीज है। लाइजोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय रेनी डी डेव ने, लाइजोसोम्स को रेनी डी डेव ने दरियाफ्त किया। अजसाम ऑर्गेनेल्स जो अपना डीएनए रखते हैं कहलाते हैं माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया अपना डीएनए रखते हैं। सेल और जिंदा टिश्यू की हादसाती मौत को कहते हैं नेक्रोसिस, सेल और जिंदा टिश्यू की हादसाती मौत नेक्रोसिस कहलाती है। मेटाबॉलिज्म यूनानी लफ्ज है जिसके मानी है चेंज, तब्दीली। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन का खारिज होना कहलाता है ऑक्सीडेशन, किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन का खारिज होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। आयोडीन की कमी से जो बीमारी लाहक होती है
कहलाती है? गोटर, आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी गोटर कहलाती है। रेड ब्लड सेल्स का पोस्ट दुरानिया हयात होता है 120 डेज, 120 दिन। नॉर्मल बालक इंसान के दिल का मैस होता है 250 to 350 ग्राम। फितरत में बायो एलिमेंट्स की तादाद है 16। फितरत में बायो एलिमेंट्स की तादाद 16 है। पौधे की छाल, पौधे जिसकी छाल कैवनीन पर मुश्तमिल होती है सनकोना, सनकोना की छाल में कैवनीन पाया जाता है। वायराइड्स सिर्फ पर मुश्तमिल होते हैं आरएनए, वायराइड्स आरएनए पर मुश्तमिल होते हैं। और यहाँ पे विच ऑर्गेनिज्म हैज कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, वॉल्वर्स एक ऐसा जानदार है जिसमें कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। विच वन ऑफ दीज इज नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेस, के इनमें से एक अच्छे हाइपोथेस की खसूसियात नहीं है, यानी लाजमन दुरुस्त होना एक अच्छे हाइपोथेस की खसूसियात नहीं है। बैक्टीरिया आर असाइंड टू द किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया को किंगडम मोनेरा में रखा जाता है। द नेशनल एनिमल ऑफ अ पाकिस्तान इज मारफोर, मारफोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है। विच ऑफ दीज डू नॉट हैव सेल वॉल, किस सेल के में सेल वॉल नहीं पाई जाती, जानवर के सेल में सेल वॉल नहीं होती। टू डेवलप फर्स्ट माइक्रोस्कोप ज़कारियास जॉनसन, ज़कारियास जॉनसन एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने पहली माइक्रोस्कोप बनाई। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्मेड, G2 फेज एक ऐसा फेज है सेल साइकिल में जिसमें स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। स्ट्रक्चरली एंजाइम्स आर मेड ऑफ अमाइनो एसिड, एंजाइम का स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होता है। द कोवलेंट बॉन्ड कनेक्टिंग टू फॉस्फेट्स इज कॉल्ड बाय द सैम्बल टेल्डी, टेल्डी के सैम्बल से दो कोवलेंट बॉन्ड को जो कि फॉस्फेट के दरमियान पाया जाता है टेल्डी से जोड़ा जाता है। द एनर्जी प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरीज, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरीज एनर्जी पाई जाती है। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें जानदारों का के टिश्यूज का माइक्रोस्कोप से मुताला किया जाता है। एलिमेंट विच टेक पार्ट इन मेकिंग द बॉडी ऑफ मैस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टूडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैल्शियम, कैल्शियम एक ऐसा एलिमेंट है जो जिंदा जानदारों के मैस का हिस्सा बनाता है। कैज ऑफ मलेरिया इज प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह बनता है। मेयर ऑफ द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम इज कॉल्ड डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। नंबर ऑफ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स 2, दो जो हैं राइबोसोम्स में सब यूनिट पाए जाते हैं। इन क्रोमोसोम्स आर अरेंज देमसेल्व्स अलोंग द इक्वेटर, स्टूडेंट्स क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं इक्वेटर पर मेटाफेज, मेटाफेज में इक्वेटर पर तरतीब देकर
जो मेटा प्लेट बनाते हैं। फेज इन विच क्रॉसिंग अवर, यानी वो वाला फेज जिसमें क्रॉसिंग अवर होती है, पैरोफेज वन, ऐसा पैरोफेज वन है जिसमें क्रोमोसोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो क्रॉसिंग अवर करते हैं। एंजाइम्स विच रिमूव प्रोटीन स्टेन फ्रॉम क्लॉथ इज प्रोटीएज, ऐसे एंजाइम्स हैं जो कपड़ों से प्रोटीन को उतारते हैं। ऑर्गेनली इन विच फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, क्लोरोप्लास्ट्स, क्लोरोप्लास्ट ऐसे ऑर्गन हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है। इन स्टोमिक पेप्सिन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन, मेदा में जो पेप्सिनोजिन है वो पेप्सिन में तब्दील होती है। द अदर नेम ऑफ प्लेट्स इज थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स है, प्लेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड, फॉसिल्स की स्टडी जो है वो कहलाती है पैलियोन्टोलॉजी। स्टूडेंट पैलियोन्टोलॉजी में फॉसिल्स फ्यूल्स की स्टडी की जाती है। इज पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ओवरल कैविटी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। 1 liter ऑफ वाटर वेट अबाउट 1000 ग्राम, यानी 1 liter पानी का 1000 जो है वो ग्राम वजन होता है। मटर की क्लास है। अब स्टूडेंट यहाँ पे सभी ऑप्शन जो है, जो भी ऑप्शन आप दुरुस्त करेंगे, यानी ए वाला, बी वाला या डी वाला बबल फिल कर देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। आर कलर लेस प्लास्टिड, लिकोप्लास्टिड स्टूडेंट्स ऐसा प्लास्टिड है जिसका कलर नहीं होता। क्रोमोसोम्स आर कंपाउंड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और प्रोटीन की कंपोजिशन है। द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाइटेड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड क्रॉसिंग अवर, क्रॉसिंग अवर में नॉन सिस्टर क्रोमाइटेड अपने हिस्सों का तबादला करते हैं। द एंजाइम्स दैट वर्क इन एसिड मीडियम इज कॉल्ड पेप्सिन, पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो एसिडिक मीडियम में काम करता है। द माइटोकांड्रिया हैज प्रेजेंट इन एटीपी मॉलिक्यूल इज एडनीन, एडनीन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो नाइट्रोजनस बेसिस में एटीपी में प्रेजेंट होता है। मिनरल रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड इज आयोडीन, स्टूडेंट आयोडीन एक ऐसा मिनरल है जो थायराइड ग्लैंड को वर्क करने में के लिए जरूरी है। सिंगल लेयर ऑफ सेल डेट सराउंड परिसाइकल इज एंडोथर्मस, एंडोडर्मस, एंडोडर्मस एक ऐसी सिंगल लेयर मेम्ब्रेन है जो सेल साइकिल को, पेरिसाइकिल को घेरती है। टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स डेट डेट प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, जो खून को ब्लड क्लॉटिंग से बचाती है। बेसोफिल्स, स्टूडेंट बेसोफिल्स जो है वो वाइट ब्लड सेल्स में ऐसी प्रोटीन है जो खून को जमने से ग्लूकोज माइक्रो मॉलिक्यूल की मसाल है। द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज 60-70%, यानी 60-70% जो है पानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होता है। बायोप्लास्टिड यूज डिस्कशन एंड रीजनिंग प्रोसीजर टू फार्मोलेट अ हाइपोथेस, स्टूडेंट हाइपोथेस बनाने के लिए बायोलॉजिस्ट जो है वो रीजनिंग और जो डिस्कशन है वो करते हैं। अ
group of related families is called order. Group of related families जो है वो order कहलाता है. Chromosomes are composed of क्रोमोसोम्स के कंपोनेंट होते हैं डीएनए और प्रोटीन, यानी क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं. द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. डिफ्यूजन कहलाता है. इज रिवर्सल ऑफ पैरोफेज. पैरोफेज का रिवर्स है टेलोफेज. स्टूडेंट टेलोफेज पैरोफेज मरहले का उल्ट है. एंजाइम्स विच आर यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ प्रोटीन स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ. प्रोटीएज एक ऐसी प्रोटीन है जो क्लॉथ से यानी कपड़ों से दाग को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होती है. 17.3 किलो कैलोरीज एनर्जी इज इक्वल टू किलो मोल किलो फी मोल एनर्जी. 73,000 किलो फी मोल एनर्जी होती है 7.3 किलो कैलोरीज में. बैक्टीरिया लिविंग इन क्लोन प्रोड्यूस, जो क्लोन में बैक्टीरिया रहते हैं वो पैदा करते हैं विटामिन के पैदा करते हैं. ब्लड प्रेशर इन वैन इज कम. वैन्स में खून का दबाव कम होता है. वेंट्रिकुलर सिस्टोल लेस्ट अबाउट इट. वर्टिकुलर सिस्टोल का तकरीबन मुकम्मल होता है 0.3 सेकंड में. द माइक्रो स्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी में जानदारों के टिश्यूज का माइक्रोस्कोप की मदद से मताला किया जाता है. द एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो मालिक्यूल्स इज ग्लूकोज, जो है वो माइक्रो मालिक्यूल्स की मिसाल है. अ साइंटिफिक लॉ आर प्रिंसिपल इज एन इरिफ्यूटेबल, यानी साइंटिफिक लॉ या प्रिंसिपल एक नाकाबले तरद्दुद है थीरी. स्टूडेंट थीरी जो है उसको जटलाया नहीं जा सकता. द लार्जेस्ट टैक्सोन इज किंगडम. स्टूडेंट सबसे बड़ा टैक्सोन है. क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं. द मोस्ट कॉमन केमिकल इन प्राइमरी सेल वॉल इज सेल्यूलोज. स्टूडेंट मोस्ट कॉमन जो है वो केमिकल है जो सेल वॉल में पाया जाता है. द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज. न्यूक्लियस की तकसीम कहलाती है कैरियोकाइनेसिस. न्यूक्लियस की तकसीम कैरियोकाइनेसिस कहलाती है. When organic cofactor are tightly bound to enzyme are called parasitic group. Parasitic group में organic cofactor के साथ factor enzyme के साथ मजबूती से बंधे होते हैं. During an aerobic oxidation of glucose molecule, ATP molecules are gained as net profit. 280 का मुनाफा होता है. द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज लिवर. स्टूडेंट सबसे बड़ा बॉडी में पाया जाने वाला ग्लैंड है. द रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड सब्सटेंस थ्रू आउट फ्लोइंग. स्टूडेंट पौधे में ऐसी नालियां होती हैं जो खुराक की जिम्मेदारी को संभालती हैं. द लार्जेस्ट एंड स्ट्रोंगेस्ट चैम्बर इन द हार्ट इज बाया वेंट्रिकल. स्टूडेंट लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो लार्जेस्ट और स्ट्रोंगर चैम्बर है. डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉज. आयोडीन की कमी से बीमारी होती है गाउटर. ऐसी बीमारी है जो आयोडीन की कमी से होती है.
is an inherited disease. एक inherited disease है. थैलेसीमिया स्टूडेंट एक ऐसी बीमारी है जो वरासती तौर पर पेरेंट से चाइल्ड में मुंतकिल होती है. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बोटनी. बायोलॉजी की वो शाखा है जिसमें पौधों का मुताला किया जाता है. द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पलियोन्टोलॉजी है, उसमें फॉसिल्स का मुताला किया जाता है. डेंगी फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय एनोफ्लेज. डेंगी फीवर जो है वो एनोफ्लेज मच्छर से ट्रांसमिट होता है. नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान इज चकोर जो है वो स्टूडेंट पाकिस्तान का कौमी परिंदा है. द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ फंजाई इज कॉटन. कॉटन जो है फंजाई की सेल वॉल का बड़ा कंपोनेंट है. डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड. साइटोप्लाज्म की तकसीम जो है वो कैरियोकाइनेसिस कहलाती है. सॉरी साइटोप्लाज्म की जो तकसीम है वो साइटोकाइनेसिस कहलाती है. When lumen remain the original location where the formed or यानी जब ट्यूमर उस जगह पे रहती हैं जहाँ पे बनती हैं तो उनको benign ट्यूमर बोलते हैं. The enzymes belong to category of molecules. प्रोटीन की enzymes जो हैं वो प्रोटीन से ताल्लुक रखते हैं. Process of glycolysis is found इन जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है वो फाउंड किया जाता है. प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म. ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म में मिलता है. वलाई इज फाउंड इन वलाई जो है वो पाई जाती हैं लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन में वलाई जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में. वलाई आर फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. वलाई जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है.